पहले एक जीके का सवाल हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश में दो देखने लायक शहर कौन सा होगा, और लोग बताते थे उत्तर में कि लखनऊ की शाम और बनारस की सुबह। लेकिन एक नया सवाल उभर कर आया है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जिसे भाजपा का गढ़ और दलितों की राजधानी कहा जाता है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। गोदी मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखाएगी जो हम दिखाने जा रहे हैं, नहीं बताएगी, क्योंकि वो भाजपा रट लगाएगी और बृजभूषण शरण सिंह के मुद्दे को ऊपर नीचे करके दिखाती रहेगी। गोदी मीडिया आपको यह भी दिखाएगी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पटना के गांधी मैदान में भाषण देने नहीं दिया गया, जबकि ईद का जो है नमाज गांधी मैदान में पढ़ाया जाता है, उसके लिए जगह दी जाती है। गोदी मीडिया आपको यही दिखाएगी। हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। बहन मायावती जी ने पूरा लठ गाड़ दिया है उत्तर प्रदेश में, और आज हम आपको यह बताने वाले हैं इस वीडियो में कि उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा नगर निगम एक तरफा बसपा के तरफ मूव कर गया है, बसपा के महापौर बनने वाले हैं, जनता ने ऐलान कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। आपको इस बगल में एक वीडियो चलता हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश का जिला है गाजीपुर, और सदात जो क्षेत्र है वहां का यह वीडियो है। हर जगह पूर्वांचल हो अथवा पश्चिमांचल, बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। कहा जाता है ना कि चुनाव में तीन हवा होती है, पहला जो आपका पक्ष का है, पक्षधर है, आपका समर्थक है, और दूसरा आपका जो विरोधी है, वो विरोध में हवा बनाते हैं, और तीसरा वह होता है जो हवा के साथ चलता है। कहने का तात्पर्य यह कि तीन पक्ष हो गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की हवा बह चुकी है। आप ये सोचते होंगे कि भाजपा और सपा, ऐसा नहीं है, भाजपा वर्सेस बसपा हो गया है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी सीट पर बसपा जीत रही है अथवा भाजपा, लेकिन कुछ सीटों को हमने सर्वे में देखा है कि बहुजन समाज पार्टी के तरफ एक तरफा वोट चला गया है। और मैंने शुरू में, वीडियो के शुरू में ही आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जिन्हें भाजपा का गढ़ और दलितों की राजधानी कहा जाता है, वह ताज नगरी है आगरा। आगरा 1989 से भाजपा के पक्ष में रही, हमेशा वहां के महापौर भाजपा के हुआ करते थे। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने वाल्मीकि समाज से कैंडिडेट देकर भाजपा का गणित ही बिगाड़ दिया है, पसीने छूट रहे हैं, और लोगों ने यह डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि एक तरफा वोट जो है आगरा का वो बहुजन समाज पार्टी को जा रहा। केवल आगरा ही नहीं, मेरठ का भी महापौर बहुजन समाज पार्टी के बनने वाले हैं, हसमत अली वहां के कैंडिडेट हैं, और वहां भी एक तरफा वोट जाएगा। इधर सहारनपुर से इमरान मसूद जो है, बिल्कुल सहारनपुर सीट निकाल लेंगे, इस तरह की हवा बन रही है। अब पूर्वांचल में आप जाएंगे तो पूर्वांचल का हवा भी बसपा की तरफ बढ़ चुकी है, लोग बड़ी तेजी से बसपा की तरफ मूव कर रहे हैं। या आप सोचते होंगे कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, ऐसा हमें तो संभव नहीं दिख रहा है। और रही बात ये कि पिछले चुनाव में भी जो 2017 का हुआ था, यानी पिछला जो नगर निगम का चुनाव हुआ था, उसमें बसपा सेकेंड पोजीशन पे थी, लेकिन इस बार बसपा के चांस बन रहे हैं। बहन मायावती जी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज सबको इकट्ठा करने में ये कामयाब होती नजर आ रही है, ऐसा दिख रहा है। लोगों का रुझान है कि इस बार जो नगर निकाय का चुनाव है और जो महापौर हैं यानी मेयर सीट, बसपा के खाते में कुछ ज्यादा ही आने वाली है। 17 नगर निगम का चुनाव है जहां पर 11 मुस्लिम कैंडिडेट दिए गए हैं, और 4 मई को मतदान होना है। आम जनता मूड बना चुकी है, बसपा के जुलूस, रैलियां, हर जगह जो है नीला ही नीला दिखाई दे रहा है। अब रही बात ये कि भाजपा वर्सेज बसपा बनने जा रही है नगर निकाय का चुनाव। उधर कर्नाटका में कांग्रेस भारी पड़ती हुई नजर आ रही है भाजपा के ऊपर।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस निकाल लेती है और पूरा उत्तर प्रदेश अगर बसपा बसपा हो जाता है, नीला हो जाता है, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे कि क्या होने वाला है? कहने का मतलब यह, भाजपा ध्रुवीकरण करके हमेशा से आगे बढ़ती रही है। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और भाजपा के लिए कर्नाटक विधानसभा और उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव झटका लग सकता है, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह के मामले को ज्यादा तूल दिया जाता है। भैया, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया दिल्ली पुलिस को, आप FIR दर्ज कीजिए। दिल्ली पुलिस जांच करती है और बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करती है तो आम जनता यह सोचेगी कि दिल्ली पुलिस के जो भी आका हैं वो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो अमित शाह जी के छवि के ऊपर ये पड़ेगा। तो दिल्ली पुलिस को जांच भी बड़े निष्पक्ष तरीके से करना होगा और गिरफ्तार भी करना होगा, कोर्ट के सामने लाना भी होगा बृजभूषण शरण सिंह का। उधर जो महिला पहलवान, जो कुश्ती फेडरेशन के लोग हैं, सब के सब जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को अंदर करवाओ, और तमाम मीडिया नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का न्यूज ना देते हुए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का न्यूज ना देते हुए केवल इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के मामले को तुल दे दिया है, चाहे अच्छा में अथवा बुरा में। आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी से करीब करीब सभी के सभी अल्पसंख्यक जो नेता हैं, जो मतदाता हैं, वह बहुजन समाज पार्टी के तरफ मूव कर जाएंगे अथवा कुछ मूव करेंगे? जो बहन मायावती जी का प्लान है SC ST OBC माइनॉरिटीज को एक जगह लाना, और खास करके मुसलमानों के ऊपर जो बहुजन समाज पार्टी ने ध्यान दिया है, क्या सपा का एक बड़ा वोट बैंक काटने में ये कामयाब हो जाएंगे? अगर ऐसा हो जाता है, निकाय का चुनाव में यह डिक्लेयर हो जाता है कि बसपा ने बड़ी संख्या में मेयर पद निकाल लिया, मुसलमान वोट अपने खाते में कर लिया, तो 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा? बहन मायावती जी के पास कितने सांसद होंगे? क्या बहन मायावती जी प्रधानमंत्री चेहरा बन पाएंगी ये नगर निकाय चुनाव के बाद? ये बहुत सारे सवाल उभर कर आएंगे सामने, और आप और हम बिल्कुल बने हुए रहेंगे और ये राजनीतिक विश्लेषण चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ हवा तो बह चुकी है, लोग बोलने लग गए हैं, घर से निकलने लग गए हैं, नीला गमछा नीला झंडा दिखाई देने लग गया है, ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश का बन चुका है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।